मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समय भाजपा के पक्ष में धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम साय पिछले 5 दिनों में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए प्रेमनगर में आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल और कांग्रेस के लोगों के बीच गलतफहमी फैला रही है। किसी संविधान और आरक्षण को खत्म नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस वाले झूठी अफवाह फैला रहे हैं। श्री साय ने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों, किसानों, आदिवासियों सहित सभी वर्गों के हितों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। बंधुओं, मैं आप मल्ला ये कहे पर आए हूँ कि अभी के जो लोकसभा चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के लिए ये चुनाव है। आप सभी सहमत हैं? सब सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा के एक बार समर्थन दीजिए। चलिए, आप सभी लोग समर्थन है, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे सौभाग्य कि हमारे देश ला नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिली रहे, जो पूरा देश ला 140 करोड़ जनता ला अपन परिवार मानते हैं और उन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा देश के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 10 साल में हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए पक्का का मकान देने वाला, बैंक का खाता खुलवाने वाला, गैस के सिलेंडर देने वाला, शौचालय के निर्माण कराने वाला, घर घर बिजली पहुंचाने वाला, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने वाला ऐसा प्रधानमंत्री वाला फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमला हमारे देश के आगे और बढ़ाना है। 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है हमारे देश ला। इसलिए प्रधानमंत्री जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री और बनाना है। और ये सरगुजा संसदीय क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज जी हमार पार्टी के, हमार प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी हैं। आने वाला 7 मई ला अपन ला उमन ला आशीर्वाद देना है। अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के चिंतामणि महाराज ला भारी मत से जिता के दिल्ली भेजना है। और यही आग्रह करे कि मैं आप मन के बीच में आए हूँ। और ये जो ठगरा लबरा कांग्रेसिया मन है, जो 5 साल छत्तीसगढ़ में राज करीन लेकिन 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं करीन, और इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता मला सरकार से बाहर कर दीस। आज 5 साल में हमर छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दीन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दीन। कांग्रेसिया मला सुबह जब उठे तब से और सुते तक खाली पैसा दिखत रही से, हाय पैसा, हाय पैसा, कहां तरफ से पैसा आ जाए, यही उमन के चिंता रही। आज हर चीज में घोटाला करे के काम करीन, कोयला में घोटाला करीन, तो शराब में घोटाला, तो बालू में घोटाला, सरकारी जमीन में घोटाला, डीएम कर राशि में घोटाला, और तो और नरवा गरवा घुरुआ बारी के गोबर तक ये कांग्रेस अमन खा गिन। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और जो अधिकारी उमन के भ्रष्टाचार में सहयोग करीन, आज एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल से जेल के अंदर में चक्की पीसत है। और तो और जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, ओकर ऊपर में भी भ्रष्टाचार के आरोप है। महादेव सट्टा ऐप में
508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी के रूप में ले है के आरोप है, ओकर ऊपर में भी FIR दर्ज है। अब मन फिर ठगने वाला है, जैसे 2018 के चुनाव में बड़े बड़े वादा करके सरकार में आए रहीन और 5 साल में कुछ भी नहीं करीन। अब ये लोकसभा के चुनाव आ गई तो जनता ला भरमाए के प्रयास करत। आज ये बोलत है कि मोदी जी इसीलिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं कि 400 सीट लाके अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के संविधान को खतरा हो जाएगा, देश के संविधान को खत्म कर देंगे। मैं आप ला बताता हूँ कि कोई हमारे देश के संविधान ला खतरा नहीं है, कोई देश के हमारे संविधान खत्म होने वाला नहीं है। ये खाली गलतफहमी कांग्रेसी मन पैदा करत है। उमन ये भी बोलत है कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे।